बैक टू न्यू व्लॉग दोस्तों, भाई अपना व्लॉग स्टार्ट कर रात को यार। अभी आया हूँ तेल डलवाने के लिए भाई। इतना ज़्यादा बिजी हो गया ना भाई कि मेरे को ना पेट्रोल डलवाने का भी टाइम मिलता, दिन भर घर पे सो रहा था यार। बस एक डेढ़ बजे मूवी देखी मैंने, तो मतलब गलती मेरी भी इसमें, मैं कुछ चेंज करा यार। लेकिन भाई नाइट ड्यूटी ना भाई बहुत ज़्यादा बेकार होती, बहुत ही ज़्यादा भाई। इसमें आपका बहुत सारे चीज़ बिगड़ जाती है, मेरा खाने का चीज़ बिगड़ गया, रहने उड़ने का सब बिगड़ गया, और जो घूमने में वो सब बिगड़ चुका है भाई, सब के सब बिगड़ चुका है यार। पता है सुबह से ना अब तक मैंने, अभी रात के 9:30 हो रहे हैं, ठीक है। अब तक बस मैंने भाई दो रोटी खाई है, बस ओनली दो रोटी। अभी खा के आया, बस अभी खाने का मन नहीं करता, इसलिए बस दो रोटी बड़ी मुश्किल से खाई है। कि भाई जॉब कर रहा है, थोड़ा भाई खाना तो शरीर में चिख गया ही, बस वो दो रोटी खाई है और बस देखो यहाँ आ गया भाई। इतना ज़्यादा मतलब कि बिजी हो गया भाई, नहाने का मौका नहीं मिला आज तो मेरे को। मैंने यही कपड़े कल पहन रखे थे और ये आज ही पहन रखे भाई, नहाने तक का मौका नहीं मिला मेरे को। और यार अभी तो फिलहाल तभी जॉब पर निकलना पड़ेगा, कभी जाना बहुत ज़्यादा जरूरी। आप यार बंदे हैं नहीं, काम हमें देखना पड़ता है जिंदगी। चलो मिलते हैं आपसे रस्ते में, ठीक है। दोस्तों भाई यार आज सुबह ना भाई मेरे साथ एक ऐसी बात हो गई है, ऐसी बात कि भाई हो मैं भाई बता भी नहीं कि भाई उससे मुझे ये पता चल गया कि भाई ज़िंदगी में कभी भाई किसी भरोसा मत करना। अगर आप जिससे भरोसा कर रहे हो और वो वैसी हरकतें कर देना भाई, तो आप कभी किसी भरोसे करने के लायक नहीं बचते यार। इसलिए भाई नेवर ट्रस्ट एनी वन, कभी भाई चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी फैमिली का बंदा हो, दोस्त यार हो, आपका प्यार हो, भाई जिंदगी के बाद ध्यान रख लो, ज़िंदगी में अकेले आए हो और अकेले ही जाना है। ना कोई साथ आया है, ना कोई साथ जाएगा, ना तुम कुछ लेकर आए हो, ना तुम कुछ लेकर जाओगे। तो बस इतना ध्यान रखो भाई, यही तो छोटी सी लाइफ, बस इसमें तुमको जो करना है सो करना है, और जो भी करना है तुमको अकेले करना है भाई। कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होएगा, फैमिली वगैरह सब एक सेकेंड के लिए है बस, वो एक सेकेंड तुम्हें पीछे दिखाया जाएगा कि हाँ वो है, बाकी जो करना है तुमको ही करना है यार। इसलिए भाई मैं यही कहूँगा कि भाई अकेले ही जो करना है सो करो, क्योंकि आज वो जो मेरे साथ सीन हुआ है ना, उससे भाई मुझे इस चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आ चुके हैं यार। कि ज़िंदगी में आप वैसे किस पे भी, चाहे आपका घर का के भरोसा करते हो और वो जब आपको भरोसा तोड़ता है ना भाई, तो आप कभी किसी भरोसा करने लायक नहीं रहते यार। तो अभी तो यार निकल रहा हूँ जॉब के लिए भाई, सरपंच घर चलते हैं, सरपंच घर से पिक पे चलते हैं अपना जॉब की तरफ, ठीक है। सरपंच को लेने के लिए उसके घर पे अभी वो आ रहा है, मैंने फ़ोन कर दिया उसको, आ रहा है नीचे। तो दोस्तों आपसे मैंने दो तीन बातें करनी यार, तो कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट वगैरह, तो वो करेंगे आपसे आगे, तो मिलते सीधा आपको आगे, ठीक है भाई। यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया भाई ये सीन शूट करने भाई, तो जैसे कि मैं आपसे कल रात को कहा था कि यार मेरे को आपसे बात करनी है, बट वो रात से कब अगले दिन का दिन हो गया वो पता ही नहीं चला। तो जो मेरे से आप सबसे बात करें, तो भाई ये बात थी कि कल मेरे साथ एक सीन हो गया, वो क्या है जो मैं ब्लैक पैंथर जो है मेरी, उसको भाई मैं कहीं लेके नहीं गया, ना कोई ऐसी लेके आया, ना कुछ ऐसे का भाई, बिना मतलब का उसका चलान कट गया 1000 रुपये का। अब मेरा भाई मेरे से पूछ रहा है कि भाई चलान कैसे कट गया, कहाँ पकड़ा गया तू। अब भाई जब मेरे को पता ही नहीं, तो मैंने भाई को क्या जवाब दूँ, आप सब बताओ यार। ये ट्रैफिक पुलिस की यार ये सही बात है, बिना मतलब चलान काट दे भाई। अगर मैं कहीं जाता, कहीं कुछ होता, तो भाई मानते हुए हमें चलान कटना चलो ठीक है, बट यार मैं कहीं गया ही नहीं हूँ, ना कहीं पूरा दिन बाइक घर पे खड़ी रही, कहीं नहीं गया इधर उधर उठना, उसके अलावा बाकी दिन में कहीं नहीं गया, पर फिर भी बिना मतलब मैंने चलान काट दिया यार। तो ये भाई गुड़गांव पुलिस की अच्छी बात नहीं यार भाई, प्रूफ तो चलान काटो, प्रूफ ही नहीं देते कि हाँ भाई इस चीज़ का चलान काटा, भाई बंदा सोचे भी हाँ मैं इधर गया था कट गया होगा, ना प्रूफ देना कुछ, बस उस पर लिख रखा है कि गुड़गांव ट्रैफिक पुलिस आपको चलान कटाए 1000 रुपये का, बस इतना लिखा पड़ा है यार। अब भाई उसके अगर भाई मेरे को चेक बोले तुमने कहाँ ले गया भाई, कैसे चलान कटा भाई, क्या सीन वगैरह यार, इसमें समझ नहीं आ रहा है ये गुड़गांव पुलिस वालों का। बट यार छोड़ यार, जो होना था होना था। तो साथ यार इसके साथ करते भाई इस ब्लॉग के खत्म, मिलेंगे आपसे को मज़ेदार ब्लॉग के साथ, क्योंकि भाई मुझे जाना है ब्लिंकिट, क्योंकि भाई दोपहर हो रही है, बज रहे हैं 2:30, ठीक है भाई 2:30 बज रहा अभी, तो मेरे जाना ब्लिंकिट से अभी नहा धो जाने के लिए ब्लिंकिट के। तो करते इस ब्लॉग के खत्म, मिलेंगे आपसे एक और नए मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।